यह कहानी है भारतीय इतिहास के सबसे खूबसूरत महिला के नाम से विख्यात अम्रपाली की, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी। वह किसी की पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन संपूर्ण नगर की नगरवधि जरूर बन गई। अम्रपाली ने अपने लिए जीवन स्वयं नहीं चुना था, बल्कि वैशाली में शांति बनाए रखने के लिए, गणराज्य की अखंडता बरकरार रखने के लिए उसे किसी एक की पत्नी बनाकर नगर को सौंप दिया गया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जब वह तथागत बुद्ध के संपर्क में आई तो सब कुछ छोड़कर वह बौद्ध भिक्षुणी बन गई। अम्रपाली के जैविक माता पिता का तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उसका पालन पोषण किया उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसकी वजह से उसका नाम अम्रपाली रखा गया। वह बहुत खूबसूरत थी, उसकी आँखें बड़ी बड़ी और काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता वह अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पाता था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसकी यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गई। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो अपने दर्द को कभी बयान नहीं कर पाई और अंत में वही हुआ जो उसकी नियति ने उसे करवाया। अम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुँचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में अम्रपाली की दीवानगी इस हद तक थी कि वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यही सबसे बड़ी समस्या थी। अम्रपाली के माता पिता जानते थे कि अम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियाँ बह जाएंगी, इसलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पाते थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष अम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय ले पाना मुश्किल हो गया था। इस समस्या का समाधान हेतु अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उसने अम्रपाली की तकदीर को अंधेरी खाइयों में धकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ अम्रपाली को नगर वधु यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे, लेकिन अगर अम्रपाली को किसी एक को सौंप दिया गया तो इससे एकता खंडित हो जाएगी। नगर वधु बनने के बाद हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह गणतंत्र के एक निर्णय ने उसे भोग्य बनाकर छोड़ दिया। लेकिन अम्रपाली की कहानी यही समाप्त नहीं होती। अम्रपाली नगर वधु बनकर सालों तक वैशाली के लोगों का मनोरंजन करती रहती, लेकिन जब एक दिन वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आती है तो सब कुछ छोड़कर बौद्ध भिक्षुणी बन गई। एक दिन बुद्ध अपने एक प्रवास में वैशाली आए। कहते हैं कि उनके साथ सैकड़ों शिष्य भी हमेशा साथ रहते थे। सभी शिष्य प्रतिदिन वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगने जाते थे। वैशाली में ही अम्रपाली के महल थे। वह वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री और नगर वधु थी। वह वैशाली राज्य के राजा राजकुमारों और सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर भी एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया। उस भिक्षुक को देखते ही वह उसके प्रेम में पड़ गई। वह प्रतिदिन राजा राजकुमारों को देखती थी, पर मात्र एक भिक्षा पात्र के लिए उस भिक्षुक में उसे अनुपम गरिमा और सौंदर्य दिखाई दिया। वह अपने परकोटों से भागी आई और भिक्षुक से बोली, आइए कृपया मेरे दान ग्रहण करें। उस भिक्षुक के पीछे और भी कई भिक्षुक थे। उन सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब युवक भिक्षु अम्रपाली के भवन में भिक्षा लेने के लिए गया तो वे ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे। भिक्षा देने के बाद अम्रपाली ने युवक भिक्षु से कहा, 3 दिनों के बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि आप उस अवधि में मेरे महल में ही रहें। युवक भिक्षु ने कहा, मुझे इसके लिए अपने स्वामी तथागत बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। यदि वे अनुमति देंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा। उसके बाहर निकलने पर अन्य भिक्षुकों ने उससे बात की। उसने अम्रपाली के निवेदन के बारे में बताया। यह सुनकर सभी भिक्षुक बड़े क्रोधित हो गए। वे तो एक दिन के लिए ही इतने ईर्ष्यालु हो गए थे और यहाँ तो उसे 4 महीनों की योजना बन रही थी। युवक भिक्षु बुद्ध के पास पहुँचने से पहले ही कई भिक्षु वहाँ पहुँच गए और उन्होंने इस वृत्तांत को बढ़ा चढ़ा कर सुनाया। वह स्त्री वैश्य है और एक भिक्षु वहाँ पूरे 4 महीने तक कैसे रह सकता है। बुद्ध ने कहा, शांत रहो, उसे आने दो। अभी उसने रुकने का निश्चय नहीं किया है। वह वहाँ
तभी रुकेगा जब मैं उसे अनुमति दूंगा। युवक भिक्षु आया और उसने बुद्ध के चरण छूकर सारी बात बताई। आम्रपाली यहाँ की नगर वधु है, उसने मुझे चतुर्मास में अपने महल में रहने के लिए कहा है। सारे भिक्षु किसी न किसी घर में रहेंगे। मैंने उसे कहा है कि आपकी अनुमति मिलने के बाद ही मैं वहाँ रह सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम वहाँ रह सकते हो। यह सुनकर कई भिक्षुओं को बहुत बड़ा घात पहुँचा। वे सभी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बुद्ध ने एक युवक शिष्य को एक वैश्य के घर में 4 माह रहने के लिए अनुमति दे दी। 3 दिनों के बाद युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में रहने के लिए चला गया। अन्य भिक्षु नगर में चल रही बातें बुद्ध को सुनाने लगे। सारे नगर में एक ही चर्चा हो रही है कि एक युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में 4 महीनों तक रहेगा। बुद्ध ने कहा, तुम सब अपनी चर्या का पालन करो, मुझे अपने शिष्य पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसके मन में अब कोई छाई नहीं है। यदि मैं उसे अनुमति नहीं देता तो भी उसे बुरा नहीं लगता। मैंने उसे अनुमति दी और वह चला गया। मुझे उसके ध्यान और संयम पर विश्वास है। तुम सभी इतने व्यग्र और चिंतित क्यों हो रहे हो? यदि उसका धर्म अटल है तो आम्रपाली भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी, और यदि उसका धर्म निर्बल है तो वह आम्रपाली के सामने समर्पण कर देगा। यह तो भिक्षु के लिए परीक्षण का समय है, बस 4 महीने तक प्रतीक्षा कर लो। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है, वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। उसने कई भिक्षुओं को बुद्ध की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा वे उस पर नहा के इतना भरोसा करते हैं। भिक्षु अभी युवक है और आम्रपाली बहुत सुंदर, वे भिक्षु संघ की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते। 4 महीने के बाद युवक भिक्षु बिहार लौट आया। उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध के पास आई। आम्रपाली ने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की आज्ञा मांगी। उसने कहा, मैंने आपके भिक्षु को अपनी ओर खींचने का हर संभव प्रयास की, पर मैं हार गई। उसके आचरण ने मुझे यह मानने पर विवश कर दिया कि आपके चरणों में ही सत्य है और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपदा भिक्षु संघ के लिए दान में देती हूँ। आम्रपाली के महल और उपवनों को चतुर्मास में सभी भिक्षुओं के रहने के लिए उपयोग में दिया जाने लगा। आगे चलकर वह बुद्ध संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुणियों में से एक बन गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग भरा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। साथ ही एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर देना, और मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।